नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल टारगेट तालुक में। मैं पुनः एक बार गौरव निरंजन आपकी सेवा में हाजिर हूं भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। उम्मीद है प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी आपकी। अभी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें व्यस्त होंगे आप लोग। एग्ज़ाम कैसे जा रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, कहाँ तक आप लोग क्वेश्चन कर पा रहे हैं। चलिएगा, तो टॉपिक हमारा है, आज के टॉपिक पर बात कर लेते हैं। टॉपिक हमारा है भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपको मैं प्रत्येक शनिवार और सोमवार को कराता हूँ, उसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में यह अगला भाग है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग तैयार होंगे और प्रश्नों के लिए जल्दी से जल्दी आंसर देंगे। तो स्टार्ट किया जाए। चलिए, पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, और पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर ही रहा, वर्ल्ड ज्योग्राफी से मैंने उठाया है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है। स्वेज नहर जोड़ती है ऑप्शन ए लाल सागर को काला सागर से, ऑप्शन बी पीला सागर को लाल सागर से, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से, ऑप्शन डी लाल सागर को भूमध्य सागर से। लाल सागर को भूमध्य सागर से या भूमध्य सागर को लाल सागर से, ऐसा ही बोल सकते हैं। तो आपको इसका आंसर बताना है, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। डी बिल्कुल सही। अफ्रीका महाद्वीप के पास यहां पर स्वेज नहर है, और स्वेज नहर के ऊपर यहां पर एक सागर है जिसका नाम है भूमध्य। क्या नाम है इसका? इसका नाम है भूमध्य सागर। तो ऊपर आपका भूमध्य सागर है और नीचे आपका जो सागर है वह है लाल। इन दोनों सागरों को जो जोड़ने वाली नहर है उस नहर का नाम है स्वेज नहर, विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर, जहां से बहुत ज्यादा मात्रा में जहाजों का आवागमन होता है, व्यापारिक नहर है। तो स्वेज नहर जोड़ती है लाल सागर को किस सागर से जोड़ती है? तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। किसको जोड़ती है? लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है आपकी स्वेज नहर। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अफ्रीका महाद्वीप मैंने आपको पढ़ाया है, हाँ आप जाके पढ़ सकते हैं दोबारा से। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट कीनिया, कैमरून, किलिमंजारो या कोई नहीं। चार ऑप्शन है, केनिया, कैमरून, किलिमंजारो या कोई नहीं। आपको ये बताना है कि इन तीनों में कौन सी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? केनिया, कैमरून या किलिमंजारो। तो माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है तंजानिया देश में। कहां पर है? तंजानिया और केन्या की बाउंड्री पर है माउंट किलिमंजारो। तो यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या हो जाएगा? तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम हो जाएगा माउंट किलिमंजारो, तंजानिया और केन्या। ठीक ना, अधिकांश भाग तंजानिया में पड़ता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर तीन, मेक्सिको का पठार किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? मेक्सिको का पठार किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? मैं पढ़ाया हूं आपको, चांदी, लोहा, सोना या प्लेटिनम, प्लेटिनम किस धातु के लिए यह सर्वाधिक जाना जाता है? मेक्सिको का पठार मेक्सिको देश में है और यहां पर जो सर्वाधिक मात्रा में धातु पाई जाती है वो धातु का नाम आपको बताना है। तो धातु का नाम क्या है? धातु का नाम है चांदी। क्या है? चांदी। मेक्सिको का पठार विश्व स्तर पर चांदी के उत्पादन के लिए जाना जाता है। किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? चांदी। यहां पर चांदी बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, चांदी के पैदावार अधिक होती है। ठीक ना, तो चांदी मेक्सिको का पठार। अगला कह रहा है, लानोस, लानोस घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? ये तो मैं दोबारा से आपको क्वेश्चन एक बार तो मैं करा चुका हूं, चलिए दोबारा से आपके सामने आया है तो बता दीजिएगा, लानोस घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? गुआना उच्च भूमि में, ब्राजील में, पेंटागोनिया पठार में या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। कहां पर सर्वाधिक मात्रा में लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो लानोस घास के मैदान गुआना उच्च भूमि पर पाए जाते हैं, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के सबसे उत्तरी क्षेत्र में है, सबसे उत्तरी भाग में है। गुआना उच्च भूमि
का विस्तार कई सारे देशों में गुआना, फ्रेंच गुआना, सुरीनाम, ब्राजील और कोलंबिया जैसे देशों में फैली हुई है। तो लानोस घास के मैदान जो कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, लानोस घास के मैदान जो कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, उष्णकटिबंध में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है यह कहां पर पाए जाते हैं, कहां पे पाए जाते हैं, तो गुआना उच्च भूमि पर पाए जाते हैं। लानोस घास के मैदान किस प्रकार के हैं, तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। क्लियर है? तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को हमने नाम दे दिया लानोस। क्वेश्चन नंबर 5, वाशिंगटन जो कि यूएसए की राजधानी है, वाशिंगटन डीसी जो कि यूएसए की राजधानी है, आपसे पूछ रही है किस नदी के तट पर है। वाशिंगटन जो कि यूएसए की राजधानी है किस नदी के तट पर है? एक नदी का नाम है पोटोमैक, दूसरी नदी का नाम है हडसन, तीसरी नदी का नाम ओरेनिको और चौथी नदी का नाम है मिसिसिपी नदी। आपको यह बताना है कि वाशिंगटन किस नदी के किनारे इन चारों में से, पोटोमैक, हडसन, ओरेनिको, ठीक है ना, या मिसिसिपी, कहां पर है वाशिंगटन डीसी? तो जल्दी से आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा कहां पर है। हाँ बिल्कुल सही, तो वाशिंगटन डीसी जो है वो जिस नदी के किनारे है, वाशिंगटन डीसी जिस नदी किनारे, उस नदी का नाम क्या है, तो उस नदी का नाम है पोटोमैक नदी। नदी का नाम क्या है, तो उस नदी का नाम है पोटोमैक नदी। पोटोमैक नदी किनारे वाशिंगटन है, जबकि हडसन नदी किनारे, तो हडसन नदी किनारे एक शहर है और हडसन नदी किनारे जो शहर है उस शहर का नाम क्या है, न्यूयॉर्क। आपसे पूछा जा रहा है वाशिंगटन किस नदी के तट पर है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा पोटोमैक। क्वेश्चन नंबर 6, प्रायद्वीप धरातल का एक ऐसा भाग, धरातल का एक ऐसा भाग जिसके तीन ओर जल होता है, उसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं। पूछ रहा है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, भारतीय प्रायद्वीप, यूरोपीय प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप या कोई नहीं? तो आपको बताना है कौन सा प्रायद्वीप सबसे बड़ा प्रायद्वीप है इन तीनों में से। हाँ तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइएगा, अरब प्रायद्वीप, बिल्कुल सही। अरब प्रायद्वीप जो कि एशिया महाद्वीप में है, सऊदी अरब है, यमन है, ओमान है, ठीक ना, तो वहीं पर है एक प्रायद्वीप जिसका नाम है अरब प्रायद्वीप। एक और लाल सागर, एक और अदन की खाड़ी है और एक और ओमान की खाड़ी है। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका अरब प्रायद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। चलिए विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप, इसके आगे देखते हैं। मकर एवं विषुवत रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है, फिर से एक बार क्वेश्चन आया है मकर और विषुवत। आपको एक हमने ट्रिक लिखाई थी, एक और मैंने महाद्वीपों का घटता हुआ क्रम लिखा था क्षेत्रफल की दृष्टि से, और एक साइड मैंने ट्रिक लिखी थी आम कबी, जिसमें मा का अर्थ है मकर और का मतलब है कर्क और आ का मतलब आर्कटिक और बी का मतलब है विषुवत। तो एक ऐसे महाद्वीप का नाम पूछा जा रहा है जहां से मकर एवं विषुवत दोनों रेखाएं गुजरती हों। तो मकर एवं विषुवत जिस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं उस महाद्वीप का नाम पूछ रहा है। तो मकर एवं विषुवत, हाँ दो रेखाएं मकर एवं विषुवत, तो ऑप्शन थोड़े से गड़बड़ हो गए हैं। ऑप्शन ए गड़बड़ हो गया है कि यहां पर दक्षिण अमेरिका होगा। मकर और विषुवत जिस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं उसका नाम दक्षिण अमेरिका है। एशिया से कर्क रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है, दक्षिण अमेरिका से मकर और विषुवत गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया से केवल मकर गुजरती है, अफ्रीका से कर्क, मकर और विषुवत तीनों गुजरती हैं। तो इसमें थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। क्या हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका, थोड़ा ह्यूमन एरर हो गया, चलिए कोई बात नहीं। सर्वाधिक देशों से गुजरने वाली नदी कौन सी है, एक ऐसी नदी का नाम पूछा जा रहा है आपसे जो सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती हो। पहला ऑप्शन है सीएन नदी, दूसरा ऑप्शन है यूराल नदी, तीसरा ऑप्शन है अमेजन नदी और चौथा ऑप्शन है डेन्यूब नदी। आपसे पूछा जा रहा है इन चारों नदियों में वह कौन सी नदी है जो सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है। तो आपको मैं पढ़ाया हूँ डेन्यूब नदी या डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी विश्व की एक ऐसी नदी है जो विश्व के सर्वाधिक देशों, लगभग 9 देशों से होकर गुजरती है। क्या नाम है, डेन्यूब।
तो डेन्यूब नदी विश्व की एक ऐसी नदी है जो विश्व के सर्वाधिक 9 देशों से होकर गुजरती है। यूरोप महाद्वीप में बहती है, जर्मनी है, सर्बिया है, रोमानिया, बुल्गारिया, यूक्रेन है, ठीक ना। तो इन देशों से होकर आपकी जो नदी बहती है उस नदी का नाम है डेन्यूब, ठीक ना। तो डेन्यूब नदी गुजरती है आपके सर्वाधिक देशों से होकर, कितने देशों से होकर, 9 देशों से होकर, जर्मनी, और सबसे अंत में जाती है यूक्रेन और काला सागर में अपना पानी गिरा देती है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डेन्यूब नदी। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, श्वेत नील नदी कहां से निकलती है। आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था कि श्वेत नील और ब्लू नील दो नदियां हैं जो सूडान की राजधानी खार्तूम के समीप मिलती हैं और एक न्यू नदी का निर्माण करती हैं। जिस नदी का निर्माण करती हैं उस नदी का मैंने आपको एक नाम बताया था, और उस नदी का जो नाम था उस नदी का नाम क्या था, नील नदी। तो श्वेत नील, श्वेत यानी सफेद, सफेद नील कहां से निकलती है, विक्टोरिया झील से, सुपेरियर झील से, ताना झील से या मालावी झील से, कहां से निकलती है। तो इसको आपको सही आंसर देना है, श्वेत नील नदी कहां से निकलती है। हाँ, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील जो कि केन्या, युगांडा और तंजानिया की बाउंड्री पर है। विक्टोरिया झील जो कि केन्या, युगांडा एवं तंजानिया की सीमा पर है। यहीं से जो नदी निकलती है विक्टोरिया से, उस नदी का नाम है आपका श्वेत नील नदी। तो श्वेत नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है, और विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और विश्व की कौन से नंबर की, तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। विक्टोरिया 3 देशों की सीमा पर है, केन्या युगांडा और तंजानिया। तो श्वेत नील नदी विक्टोरिया झील से। अब फिर से एक नाम आया, विक्टोरिया मरुस्थल किस महाद्वीप में है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। विक्टोरिया मरुस्थल किस महाद्वीप में है, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप। अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, कहां पर विक्टोरिया मरुस्थल पाया जा रहा है। तो विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और यह कहां पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं, क्योंकि यहां पर सर्वाधिक मात्रा में मरुस्थल पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। तो विक्टोरिया किस महाद्वीप में है, तो विक्टोरिया जिस महाद्वीप में है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आपका ऑस्ट्रेलिया। क्या नाम है उसका, तो नाम है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है आपका विक्टोरिया मरुस्थल, कहां, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, आपसे विश्व के सबसे बड़े महासागर की बात की गई है, प्रशांत, हिंद, अटलांटिक या आर्कटिक, ठीक ना। कहां पर कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, तो आपसे ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है प्रशांत, हिंद, अटलांटिक, उसके बाद आर्कटिक महासागर। तो कहां पर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, तो सही आंसर हो जाएगा कौन सा सबसे बड़ा महासागर है, पैसिफिक ओशियन। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा है, पहला सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, और दूसरा आर्कटिक है, और तीसरा आपका हिंद है, ठीक ना। तो याद रख लेना भैया कि पहला कौन सा है, हमारा प्रशांत महासागर है, दूसरा सबसे बड़ा अटलांटिक है, और तीसरा सबसे बड़ा हमारा हिंद महासागर है। चलिए आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 12, वायुदाब वायुमंडल की परतों के द्वारा लगने वाले बल को या पड़ने वाले भार को हम वायुदाब कहते हैं। वायुमंडल उपस्थित गैसों के द्वारा जो बल लगता है उसी को हमने नाम दे दिया वायुदाब। पूछ रहा वायुदाब, सर्वाधिक वायुदाब पाया जाता है नदी घाटी में, नदी की जो घाटी होती है, झीलों में, समुद्रों में, पर्वतों पर। देखिए मैं समझाता हूं, पी दाब, पी का एक फॉर्मूला होता है, पी बराबर होता है एफ अपॉन ए, एफ यहां पर बल है, ए यानी यहां पर एरिया यानी क्षेत्रफल है, और पी यानी दाब है। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। यहां पर आपसे बल दाब की बात नहीं हो रही है, वायु दाब की बात हो रही है। तो वायु
वायु के द्वारा एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या नाम दे देते हैं? वायुदाब। तो वायुदाब जहां पर वायु की मात्रा अधिक होगी वहां का वायुदाब अधिक होगा, सीधी सी बात है। तो वायु में क्या पाई जाती है? वायु में आपकी गैसें पाई जाती हैं। तो जहां पर सर्वाधिक मात्रा में गैसें पाई जाएंगी वहां का वायुदाब सर्वाधिक होता है। समुद्र का तल, समुद्र की सतह, जब सूर्य का प्रकाश समुद्र की सतह पर आता है तो समुद्र से नॉर्मल तो वहां पर गैसें ही है, साथ में वहां पर जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है। जलवाष्प की मात्रा बढ़ने के कारण वहां पर समुद्र में अधिक मात्रा में दाब लगने लगता है। इसलिए याद रखना कि पर्वतों पर वायुदाब सबसे कम पाया जाता है और जबकि समुद्रों में वायुदाब सबसे अधिक पाया जाता है। और समुद्र में बाबू कहां? समुद्र की तल पर, जहां पर बॉटम होगा समुद्र के तल पर या समुद्र की सतह पर, तो समुद्र की सतह पर, कहां पर? समुद्र की सतह पर सबसे अधिक वायुदाब होता है और सबसे कम वायुदाब आपका पर्वतों पर होता है। याद रख लेना, क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है ना। चलिए, सिलिका एवं एल्युमिनियम किस परत में पाए जाते हैं? पृथ्वी की आंतरिक 3 परतें होती हैं, ऐसा बनाए अगर हम तो पृथ्वी की 3 आंतरिक परतें होती हैं। पहली वाली को नाम दिया गया क्रस्ट, दूसरी वाली को नाम दे दिया गया मेंटल और तीसरी वाली को नाम दे दिया गया कोर। इस वाली परत में सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है इसलिए इसको सियाल बोलते हैं। सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है इसलिए सीमा बोलते हैं। निकल और आयरन पाया जाता है इसको हम लोग नीफे कहते हैं। पूछ रहा है सिलिका एवं एल्युमिनियम, सिलिका और एल्युमिनियम यानी सियाल कहां पाया जाता है? तो क्रस्ट में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि सियाल और सिलिका क्रस्ट में पाया जाता है। आप पूछेगा सिलिका और मैग्नीशियम कहां पाया जाता है? मैग्नीशियम का सिंबल होता तो Mg है लेकिन हमने Ma लिखा सुविधा अनुसार अपनी, जिस कारण हमारे सेंटेंस में जाता सीमा। तो कहां पाई जाती? मेंटल। कोर में निकल और आयरन पाए जाते हैं और निकल और आयरन को हम Ni और Fe बोलते हैं, नीफे। तो निफे किस में पाया जाता है आपका? तो निफे आपका पाया जाता है कोर में। याद रख लेना बाबू, क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। चलिए 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? क्वेश्चन पूछ रहा है ओजोन परत वायुमंडल में कहां पर पाई जाती है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में या आयन मंडल में? समताप मंडल, जहां पे तापमान समान होता है वहां पर ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत करती क्या है? सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है जिस कारण से धरातल पर सूर्य की पराबैंगनी किरणें नहीं पहुंच पाती हैं। तो इसका सही क्या हो जाएगा? ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो बाबू समताप मंडल। कहां पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, किस चट्टान में परतें एवं जीवाश्म पाए जाते हैं। पूछ रहा है किस चट्टान में परतें एवं जीवाश्म पाए जाते हैं? तो ऐसी चट्टान जिसका निर्माण कई सारी चट्टानों के अपक्षय टूटने फूटने के द्वारा होता है उनको हम औषादी चट्टानें बोलते हैं। अभी बताइएगा, औषादी नाम ही उसका औषाद, क्योंकि वो कई सारी चट्टानों के टूटने फूटने के द्वारा उसका निर्माण हुआ है। तो बाबू याद रख लेना, एकमात्र ऐसी चट्टान का नाम बताइएगा जिसमें जीवाश्म जीव जंतु के सड़े गले भाग और परतें पाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा? औषादी चट्टान है। तो औषादी चट्टानों में परतें एवं जीवाश्म पाए जाते हैं। औषादी चट्टानों में परतें और परतों के साथ साथ क्या पाए जाते हैं? तो परतों के साथ साथ जीवाश्म पाए जाते हैं औषादी चट्टानों। क्वेश्चन नंबर 16 है आपकी स्क्रीन पर। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बहुत सिंपल है, तो बता ही देंगे। चलिए, एशिया है। बहुत सिंपल डाल दिए ये वाला क्वेश्चन। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा बाबू? तो एशिया। एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद उत्तर अमेरिका और उत्तर अमेरिका के बाद दक्षिण अमेरिका, ठीक ना। यूरोप महाद्वीप से क्वेश्चन है, कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? बाल्टिक देश ऐसे देशों को कहा जाता है जो यूरोप महाद्वीप में एक सागर है, बाल्टिक सागर,
बाल्टिक सागर के जो किनारे देश है उन देशों को एक नाम दे दिया हमने, और उन देशों को जो नाम दिया, देश को नाम दे दिया हमने बाल्टिक देश। क्या नाम दे दिया हमने? तो हमने उनको नाम दे दिया बाल्टिक देश। क्या नाम दिया हमने? बाल्टिक देश हमने उनको नाम दे दिया। तो तीन देश है, एक का नाम एस्टोनिया, एक का नाम लाटविया और एक का नाम लिथुआनिया। तो एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया को, एस्टोनिया, लाटविया, देखो यहां पर एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया को हम बाल्टिक देश कहते हैं, जबकि पोलैंड को हम बाल्टिक देश नहीं कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोलैंड। पोलैंड बाल्टिक देश नहीं है, पोलैंड बाल्टिक देश नहीं है, तो इसका सही हो जाएगा पोलैंड। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, चाहे ताजा पानी कहा जाए या मीठा पानी कहा जाए एक ही बात है, पूछ रहा है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? ठीक ना, कौन सी है? सुपीरियर, बैकाल, विक्टोरिया, तंजानिया। तो सुपीर है, बिल्कुल सही आंसर। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, यूएसए में है, महान झीलों में भी यह सबसे बड़ी है। चलिएगा, अगर यहीं पर मैं पूछूं ही नहीं चार ऑप्शन में कि दूसरी, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो आपका आंसर सही हो जाएगा विक्टोरिया, जो कि अफ्रीका में अभी अभी बताए थे। तो सुपीरियर विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जबकि विक्टोरिया विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील विक्टोरिया यहां पर सबसे बड़ी पूछी जा रही है, तो आप सही आंसर क्या कर देंगे? सुपीरियर। क्वेश्चन नंबर 9। महासागरीय गर्म जलधाराएं किस दिशा में चलती हैं? हमेशा याद रखिएगा, जलधारा दो प्रकार की होती है, गर्म जलधारा एक ठंडी जलधारा। गर्म जलधारा हमेशा निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाती है, जबकि ठंडी जलधारा उच्च अक्षांश से निम्न। जो गर्म होगा ना, वो हमेशा नीचे से बाष्पीकृत होकर ऊपर जाता है पानी। गर्म हमेशा निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाता है, जब ठंडा उच्च अक्षांश से निम्न की ओर। अब कह रहा है महासागर की गर्म जलधारा किस दिशा में चलती है? ध्रुवों से विषुवत। अब इसमें निम्न और अक्षांश तो दे ही नहीं रहा है, ठीक ना? हाँ, तो एक तो दिया है निम्न से उच्च अक्षांश, तो ये सही हो जाएगा कि गर्म जलधारा है तो निम्न से कहां की ओर चलेगी? तो गर्म जलधारा है इसलिए निम्न से कहां की ओर चलेगी? तो गर्म जलधारा जो है वो निम्न से उच्च अक्षांश की ओर चलेगी। सबसे निम्न अक्षांश 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा, और सबसे उच्च अक्षांश यानी कौन सा? ध्रुव। तो एक ऑप्शन ए भी दिया गया है कि गर्म जलधारा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती, ए भी सही है, और ए भी सही है कि निम्न से उच्च। निम्न का मतलब विषुवत रेखा और उच्च का मतलब, उच्च अक्षांश का मतलब ध्रुव। तो हम ये भी कह सकते हैं कि गर्म जलधारा निम्न से उच्च अक्षांश की ओर चलती है, और हम यह भी कह सकते हैं कि यह विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, दोनों बातें कह सकते हैं। चलिए, एक ऑप्शन, एक हमने क्वेश्चन लिया है चक्रवात। जब हवा, वायु गर्म होकर गोल आकार में घूमती और ऊपर उठती है, तो उसी को हम चक्रवात कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। पूछा चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में होती है। चक्रवात की दो प्रकार की दशाएं होती हैं। चक्रवात की दिशा जो होती है वो दो प्रकार की होती है। बात करें अगर उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध की, तो उत्तरी गोलार्ध में जो इनकी दिशा होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, एंटी क्लॉकवाइज। बात करें दक्षिणी गोलार्ध, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो इनकी दिशा होती है वो क्लॉकवाइज होती है। अब आप समझदार हैं, उत्तरी गोलार्ध में किस प्रकार की होगी? तो एंटी क्लॉकवाइज होगी। उत्तरी गोलार्ध में पूछा है तो उत्तरी गोलार्ध में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्लॉक, आपका सही क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉक। अब एंटी क्लॉकवाइज तो दे नहीं रहा है, हिंदी में दे रहा है वामावर्त, दक्षिणावर्त, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज। तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज तो हो गए नहीं, वामावर्त और दक्षिणावर्त। तो आप बताइएगा उत्तरी एंटी क्लॉक का अर्थ क्या होता है? घड़ी की सुई की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में? घड़ी की विपरीत दिशा में यानी वामावर्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक ना बाबू, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। चलिए, फिर से वही आ गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, बस अंतर ये हो गया, वहां पर ओजोन परत थी, यहां पर ओजोन मंडल है। ओजोन परत जिस मंडल में पाई जाती है उसको हम ओजोन मंडल भी कहते हैं,
और अभी अभी बताया है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, समताप। तो यहाँ पे समताप तो ऑप्शन नहीं है, समताप तो ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे इंग्लिश में ऑप्शन है। पहला है छेपोस्फीयर, आयनोस्फीयर, मेजोस्फीयर, कोई नहीं। तो इनमें से हो जाएगा कोई नहीं, क्योंकि जो आपकी ओजोन परत है यह समताप मंडल में पाई जाती है। किस मंडल में पाई जाती है? समताप। और समताप मंडल को इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर, STRATOSPHERE। किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो ओजोन मंडल कहां पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। आपकी कहां पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। अगर स्ट्रेटोस्फीयर नहीं होगा तो आपका क्या हो जाएगा? समताप मंडल में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है। चलिए सॉरी इसके लिए। सिल्का एवं एल्युमिनियम कहां पाया जाता है? तो अभी अभी बताए थे आपको, क्रस्ट में। कहां पाया जाता है? तो ये आपका क्रस्ट में पाया जाता है, ठीक ना। चलिए रिपीटेड आ गया, चलिए कोई बात नहीं है। अगला कह रहा है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहां पर आता है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहां आता है? ज्वार या ज्वार एक ही है, यूएसए, मेक्सिको, कनाडा या भारत। तो कनाडा में खाड़ी है जिसका नाम है फंडी की खाड़ी। कनाडा देश में एक खाड़ी है, कनाडा देश में एक खाड़ी है और इस खाड़ी का नाम है फंडी, फंडी की खाड़ी। कनाडा देश में खाड़ी है और कनाडा देश में जो खाड़ी उसका नाम है फंडी की खाड़ी। तो यहीं पर विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार और सबसे गहरे भाटा आते हैं। तो आपसे खाड़ी पूछेगा तो फंडी की खाड़ी और देश पूछेगा तो कनाडा। खाड़ी पूछे तो फंडी और देश पूछे तो कनाडा, ठीक ना। चलिए सोमाली, सोमाली जलधारा कहां किस महासागर में चलती है? सोमाली जलधारा सोमालिया देश में चलती है। कहां चलती है? सोमालिया। और सोमालिया कहां पर है? तो सोमालिया अफ्रीका में है। यहां पर आपका सोमालिया और यहां पर जो महासागर है उस महासागर का नाम क्या है? हिंद। तो सोमाली जलधारा किस महासागर में चलती है? तो सही आंसर हो जाएगा कि सोमाली जलधारा या सोमालिया जलधारा आपकी हिंद महासागर में चलती है। कहां पे चलती बाबू? तो हिंद महासागर, इसका सही आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन बचा है, बस आज का लास्ट क्वेश्चन बचा है, ये भी देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सी गर्म जलधारा है? आपसे पूछा ना, निम्न में से कौन सी गर्म जलधारा है? हम्बोल्ट, लेब्रेडोर, एलिनो या गल्फ स्ट्रीम। तो इनमें से आपको गर्म जलधारा बतानी है, बताइएगा गर्म जलधारा कौन सी इनमें से? गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर में चलती है और यूरोप महाद्वीप में चलती है। यह एक प्रकार की गर्म जलधारा है, तो इसको याद रखिएगा, गल्फ स्ट्रीम जो है एक गर्म जलधारा है। क्या है? गर्म जलधारा है। चलिए ये हमारे, चलिए हो गया। चलिए अब बात रही आप लोगों की कि आप लोग बोलते हैं कि सर जो पढ़ाते हैं उसको दीजिएगा, आज से आपको रेगुलर मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक ना। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक ना। तो आज यही रखते हैं, कल इसके आगे मिलते हैं, तो कल इसके आगे चर्चा करते हैं, ठीक ना। धन्यवाद, गुड नाइट।